दिल्ली के मोती नगर इलाके के बसई दारापुर में सनसनीखेज हत्याकांड के 3 दिन बाद भी इलाके में सनसनी फैली हुई है। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि अपनी बेटी के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर ध्रुव त्यागी की हत्या कर दी जाएगी, बेटे अनमोल को भी अधमरा कर दिया जाएगा। इस मामले में सभी आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इलाके में किसी तरह का कोई तनाव ना फैले, इसलिए दिल्ली पुलिस की एक टीम तैनात कर दी गई है। इस वारदात के बाद लोग हैरान और परेशान हैं, क्योंकि इस तरह की इस इलाके में पहली वारदात है। दरअसल 12 तारीख की रात को ध्रुव त्यागी 51 साल के, वो अपनी बेटी के साथ आ रहे थे इसी इलाके से। सामने की तरफ वो उनका घर है, उनकी बेटी के साथ बगल में ही खड़े, उनके घर के बगल में ही खड़े जो आरोपी था शमशेर आलम, उसने कमेंट पास किया। उसके बाद जो ध्रुव त्यागी थे उन्होंने इसका विरोध किया, तभी शमशेर आलम, उसका पिता जहांगीर और दो नाबालिग, उन चारों ने ताबड़तोड़ ध्रुव त्यागी पर अटैक कर दिया। जो बेटा अनमोल त्यागी है वो अपने पिता को बचाने के लिए उसके ऊपर लेट गया। आज परिवार वालों से मिलने वेस्ट दिल्ली के ज्वाइंट कमिश्नर मधुप तिवारी, डीसीपी मोनिका भारद्वाज पहुंची। ज्वाइंट सीपी ने कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। हत्याकांड के बाद त्यागी परिवार के घर नेताओं का आना जाना शुरू हो गया है और मौत पर सियासत करने की कोशिश भी की जा रही है। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस मामले पर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उन लोगों ने ध्रुव त्यागी पर भी चाकुओं से वार किया और उसके अलावा अनमोल त्यागी है उस पर भी चाकुओं से वार किया। इस हमले में जो ध्रुव त्यागी है उनकी मौत हो गई, जबकि बेटा अनमोल त्यागी वो घायल है। इस पूरी वारदात के 3 दिन हो चुके हैं। फिलहाल इलाके में शांति जरूर है और एहतियात के तौर पर जो इलाके में दिल्ली पुलिस की अगर आप देखें तो एक टीम यहां पर तैनात कर दी गई है। इन सब के बीच इस इलाके में नेताओं का आना जाना शुरू हो चुका है और कहीं ना कहीं जो ये मौत है इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। इन सब के बीच कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर चुप्पी तोड़ते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन की बात की थी। वहीं ध्रुव त्यागी की पत्नी और उनकी बेटी गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने उनके सरकारी आवास पहुंचे। शाम करीब 4:15 बजे ये लोग राजनाथ सिंह के घर पहुंचे और 15 मिनट की बातचीत के बाद ये लोग बाहर आए तो कहा कि पुलिस की अब तक की कार्रवाई ठीक रही है। ये भी कहा जा रहा था कि जो घर की महिलाएं थी आरोपियों की, उन्होंने भी वो उकसाया था, उनकी भी गिरफ्तारी हो, तो कुछ इस तरह की बातें थी। तो क्या पुलिस की था, उसकी मम्मी को पकड़ना चाहिए क्योंकि चाकू उन्होंने दिया था लाके बच्चे को अपने को, कि ऐसा नहीं मानेगा इसको, इससे मारो। तो वो लेडी थी, चली गई थी। अब मैंने उनको बोला, सुबह पुलिस वाले आए थे, उनको भी पकड़ना चाहिए। तो उनकी पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप? हाँ, अब देखो वो पकड़ेंगे, क्या आज मैं पकड़वा लूंगी। ध्रुव त्यागी की पत्नी ने कहा कि उनके परिवार में सिर्फ ध्रुव ही कमाने वाले थे और पूरा परिवार उन्हीं पर निर्भर था। उनकी हत्या के बाद वो लोग पूरी तरह से बेसहारा हो गए हैं, लिहाजा सरकार उन्हें 50 लाख का मुआवजा दे और उनके परिवार के किसी सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। हालांकि सरकार ध्रुव त्यागी की पत्नी की इन मांगों पर क्या फैसला लेगी ये तो नहीं पता, लेकिन इस हत्या ने दिल्ली की कानून व्यवस्था की सही तस्वीर सामने ला दी है।